चलो अब ये कहता है इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चलता है ऐसे सारी दुनिया कहती है, हम भी कह रहे हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यार 3.57 × 10⁻²⁻² टेस्ला है, जो कि परपेंडिकुलर है यार। और इलेक्ट्रॉन पर ई अपन एम की जो वैल्यू वो भी दे रखा है 1.76 × 10⁻¹১ गुलाम केजी जो भी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं बोर्ड के अंदर लगा दूं, मैग्नेटिक फील्ड मैं बोर्ड के अंदर लगा दूं ये वाली, तो अब इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसवर्सल मैग्नेटिक, ट्रांसवर्सल मतलब होता है परपेंडिकुलर यार, तो अगर मैं इसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे वी वेलोसिटी दे के छोड़ दिया, वी वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चलेगा हम सबको पता है, पर किधर कैसे सर्कल बनाएगा, तो वी क्रॉस बी, बी बोर्ड के अंदर है तो फार्मूला लगा दो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वी क्रॉस बी फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में फोर्स नीचे लगेगा, तो ये बोर्ड के प्लेन में जब ऐसे आप छोड़ोगे तो उधर नहीं जाएगा, फोर्स इधर लगेगा, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सफिशियंट है, ऐसे सर्कल में मूव करेगा और जिसकी रेडियस कुछ आर होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी और रिवोल्यूशन निकालनी है हमें, मतलब ये सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा वो कैलकुलेशन करना है। तो ऑब्वियसली अगर सर्कुलर मोशन है, सर्कल कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 πr/ लीनियर वेलोसिटी भी, तो लीनियर वेलोसिटी भी जो आ जाएगी वो 2 πr/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 π/1/फ्रीक्वेंसी, ये 2 πr फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/t एफ के इक्वल हो जाए, तो यही तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हमें वेलोसिटी का पहले हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी का फार्मूला हमें पहले ही याद है। ठीक है, अगर तुम्हें अगर देखोगे यहाँ तो रेडियस हमें पहले ही याद है, रेडियस इज इक्वल टू mv/qb, इलेक्ट्रॉन के केस में तो वेलोसिटी v की वैल्यू आ जाएगी r³b/m, ये वाली जो चीज़ है दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को उठा के यहाँ लेके आऊँगा तो r³b/m और दैट इज 2 π फ्रीक्वेंसी और रेडियस, तो रेडियस ने रेडियस को खा गया, ख़त्म कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी qb/2 πm। ये तो ये यहाँ से अब सारा डेटा रख दो और बाकी जो ताम झाम है वो कर लो, बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लो, यही हमारा फ्रीक्वेंसी सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/q/m, q/m की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.76 × 10⁻²⁻¹⁰ टेस्ला है, और 2 π की वैल्यू 3.14 रख दो, और मैग्नेटिक फील्ड पहले से दिया हुआ था 3.57 × 10⁻²। तो ये सारा डेटा कैलकुलेट कर लेना, तो ये आ जाएगा 10⁻ फ्रीक्वेंसी 10⁻⁹ हर्ट्स आ जाएगा, SI यूनिट में आएगा, और हमें गीगा हर्ट्स में लिखना है तो 1 GHz आ जाएगा, ये 10⁹। तो ये फर्स्ट ऑप्शन देख लो सही है।